मॉर्निंग गाइस, मैं आपका भाई सेठ और आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेठ ब्लॉग। सो गाइस, अभी हो रहे हैं सुबह के 3:30 और अभी हम उठ चुके हैं और अब नहा धो के चलेंगे। तो चलो मिलते हैं। जा सकते घंटे क्या दूर दूर तक हमारे बोले बोले सो रहे हैं। और यहाँ पर अपने रात में खाना खाया था रात के 1 बजे तक। अभी रात बज रहे हैं रात के 1 और अभी हमने यहाँ पे खाना खाया, जैसे कि पंडाल में शिविर है हम बोलों का, और हमारी कावड़ रख रखी है बाहर, जैसे कि देखे होंगे आप बाहर कावड़ रखे तो हमारी यहीं पे बाहर रखी हुई है और हम यहीं लेटेंगे और फिर 4-5 घंटे बाद वापस निकलेंगे यहाँ से। अभी हम लेट क्योंकि अभी हम सुबह हम 3 बजे उठ गए थे और वैसे लगातार बारिश हो रही है और फ़ोन चार्ज भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से फ़ोन चार्ज हुआ है, 1-1.5 घंटे की मशक्कत करने के बाद हमारे को बच गए थे 5 से लेके 6:30 बजे तक आ रही है बारिश। और फिर इतनी तेज़ बारिश थी क्योंकि हम निकल भी नहीं पाए और फिर हम 6:30 बजे हल्की हल्की बारिश में निकले हैं और रुड़की के लिए निकल चुके हैं। अभी हम रुड़की, अभी हमारे यहाँ से आया है 20 किलोमीटर, तो अभी हम रुड़की जा रहे हैं। तो चलो आगे मिलते हैं फिर अपन। सो रास्ते में हमने देखा कि एक भाई ऐसे कावड़ लेके जा रहा है अपने माँ बाप को। क्या कार लगा दिया ना, जा तो बोलनी है, बोलो शंकर भगवान की जय। साइड बोले चलता है यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं रुड़की। रुड़की हमारे यहाँ से अभी 18 किलोमीटर है। यहाँ पे हमारा यश बोले और मैं भाई, तो अभी 2 घंटे हो गए चलते चलते और अभी हम कर रहे हैं रेस्ट और अभी हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। तो देख सकते हैं कि जैसे कि अभी बारिश आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आ रही है, हमारे को चलने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। अभी हम बारिश में चल रहे थे तो मैं इस कारण वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी तो फ़ोन भीग गया था। यहाँ पे यश बोला पी रहा है, साहिल बोला पी रहा है। चलो मिलते आगे। तो हमने खाना खा लिया, अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मैं साहिल और वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ कावड़ियों के लिए। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है और उस साइड है चाय पिलाई जा रही है। देख सकते हैं अभी हमने खाना खा लिया था और अब यहाँ पर स्नान करना है नहर में। तो नहर में अच्छे से स्नान करके आगे की यात्रा चालू करते हैं अपन। टेस्ट अभी हमने कम से कम 11 किलोमीटर सुबह से तय कर लिया है और रुड़की आने में कम से कम 15 से 17 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अपने सारे बोले रेस्ट कर रहे हैं और आते जाते हमारे कावड़ियाँ। जय बोले। एक सौ इक्कीस किलो की कावड़ बोले लाते हुए ये भाई हैं, सारे बोले हैं। जैसे कि कावड़िया जा रहे हैं और मैं आज व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रहा गाइस क्योंकि बारिश इतनी हो रही है सुबह से।
हम सुबह 3:30 बजे उठ गए थे, उसके बाद नहा धो के पूजा वगैरह कर ली थी, उसके बाद बारिश आ गई थी कम से कम 4:30-5 बजे करीब। 2 घंटे तक लगातार बहुत तेज बारिश हुई, तो इस चक्कर में हमने रेस्ट करा, मजबूरी में निकलना तो हमारे को 5 बजे था पर हम निकल नहीं पाए। तो हो सकता है कि अभी ब्लॉग्स में हमें शूट कम हो वीडियोस, तो भी तो हल्की बारिश है इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रहा। अभी हम पहुंचने वाले थोड़ी देर में रुड़की, तो मिलते हैं फिर। अभी हम आ गए हैं शिविर में, तो यहाँ पर यस बनाए, तो अभी हम खा रहे हैं रोटी चावल पूरी और दाल की सब्जी। देख सकते हैं कि जैसे कि कितने सारे अपने बूढ़े यहाँ पर बैठे हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई आराम कर रहा है। तो हम खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे इनसे 1.5 घंटे, उसके बाद अपन निकलते हैं। मैं और साहिल, आगे है यश। अब देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है, अभी भी हम बारिश में ही चल रहे हैं, सुबह से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखो हमारे साथ गंगा मैया भी बह रही है, 30 से 35 किलोमीटर हो गया हमारे को चलते चलते। देख सकते हैं आप क्या लहरें आए, क्या बहुत बड़ी प्यारी लहरें चल रही है हमारे साथ ही साथ। और हमारे कुछ बोले यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, और हमारे कुछ बोले आगे चल रहे हैं कावड़ लेके, जैसे कि आप देख रहे होंगे दूर दूर तक देख रहे होंगे तो सारे कावड़िया ही कावड़िया दिख रहे हैं आपको। तो चलो आगे मिलते हैं अपन।